हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज 11 में जेनशिन इम्पैक्ट का एरर आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर जेनशिन इम्पैक्ट गेम शो हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कर एंड टास्क के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये गेम जो है क्लोज हो जाएगा। आप इस सेटिंग को भी क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है जेनशिन इम्पैक्ट, ओके, इस तरीके से। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेनशिन इम्पैक्ट गेम की APK फाइल शो हो जाएगी। आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, ये बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर यहाँ पर इस वाले बॉक्स में भी आपको चेक करना है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ब्राउज में कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। आपके पास ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर यहाँ पर शो हो जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। यहाँ पर से ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जेनशिन इम्पैक्ट गेम शो हो जाएगा, फिर आप जो है उसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से सेलेक्ट कर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आपको शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर से आप ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है जेनशिन इम्पैक्ट गेम को ओपन कीजिए। गेम को ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वेरीफाई गेम्स फाइल्स के ऊपर क्लिक कर इस गेम के फाइल्स को जो है आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आप गेम को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप जेनशिन इम्पैक्ट गेम को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है फिर से विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं आपके पास विंडोज़ जो है अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर पेंडिंग में है तो आप जो है उसको कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज़ कीजिए। फिर आपको रन कमांड ओपन करना है। शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्लस आर, रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको MS config इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सर्विस टैब में आना है। फिर आपको यहाँ पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज इस वाले बॉक्स में आपको चेक कर यहाँ पर डिसेबल ऑल के ऊपर क्लिक कर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए, ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप जो है PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम के सर्च बार में आपको टाइप करना है डायरेक्ट टेक्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसको यहाँ से इजीली डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।